को थोड़ी देर तक हमारे पास ही सीमित रखेंगे। Oh yeah, it is going to be a recorded interview, so let's just go and have a look at it. हेलो एंड वेलकम। अब हम आ चुके हैं इंटरव्यू सेक्शन के अंदर, जहां पे हमारे पास पहुंचे हैं टीएसएम के नियो, एंड वी आर गोना हैव अ लिटिल बिट ऑफ वार्तालाप विद नियो। नियो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ, आ रही आ रही आ रही। सो अभी आपका ये जो गेम रहा, फर्स्ट मैच था इरांगल के ऊपर, अभी हम ऑफ कोर्स वीकेंड पे जो आपका ये फर्स्ट गेम रहा है उसके अंदर द जोन वाज कमिंग ऑन टू यू। आप एंड तक वहां पे पूरी की पूरी टीम अपना डेरा बना के बैठे हुए थे, आपको पता था कि जोन आपके ऊपर आ रहा है, तो एंड में जाके थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो वो पहले से ही स्ट्रेटेजाइज था कि जिस तरीके से आपके तरफ जोन बढ़ा वो बाद में डिसाइड हुआ था? नहीं, पहले से डिसाइडेड था कि हम लोग के पास व्हीकल्स नहीं थे, हम लोग का सिर्फ एक व्हीकल था, तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि एक व्हीकल में रोटेशन तो देना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि अगर हार्ड शिफ्ट का है तो कोई तो भी एक जगह पे स्लैमिंग दे देंगे चारों, क्योंकि सर्वाइव तो नहीं कर सकते एक गाड़ी लेके, तो इसके लिए वही हमारा प्लान था। बिल्कुल, और वो प्लान आपके लिए काफी बखूबी काम भी किया है, बिकॉज काफी लेट रोटेशन आई आपकी वहां पंप से, एंड वो जब आप पंप से रोटेशन करके वापस आए तब वहां पे हमने देखा, जब आप वो टीम आईएनडी के अगेंस्ट आपने वो जो फाइट ली थी वहां पे आप 3-man टीम थे, एंड उसके अंदर भी जिस तरीके से आपने वो फाइट ली थी थोड़ी मेसी हो गई थी, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। वो क्या हो गया था कि हम लोग का थोड़ा कम्युनिकेशन उधर प्रॉब्लम हो गया था, हम लोग ने बोला था कि पीछे के साइड देखो और एक बंदा आगे देख रहा था और हम तीन पीछे देख रहे थे, पर वही सेम टाइम पे आरआरक्यू ने भी हमें थर्ड पार्टी कर दिया था पीछे से, तो वहां पे थोड़ा मेसी सीन हो गया था। जी बिल्कुल, लेकिन तो भी ज़ीगॉड ने काफी अच्छी तरीके से बखूबी दोनों टीम मेंबर्स को बचा के भी रखा, एंड देन इवेंचुअली आपकी टीम वर एबल टू मूव ऑन फोर्थ एक्सक्लूडिंग टीम आईएनडी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, एंड ऑफ कोर्स अभी तो सिर्फ मैच नंबर 1 हुआ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग मैच फॉर द वीकेंड, एंड थैंक यू सो मच टीम for having this conversation with you. Thank you so much. Well, ek kafi acha interview humko